स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ पायनियर कोचिंग। वॉइस की चर्चा चल रही थी पिछले क्लास में, जिसमें हमने कहा कि एक्टिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद ई जा रहे हैं, वाज वर हैव हैज हैड प्लस टू प्लस वी वन का प्रयोग हो तो उसका पैसिव का पैटर्न हमने आपको बतला दिया था। अब आगे है कि यदि एक्टिव सेंटेंस में प्लीज्ड, सरप्राइजेज, नो, इंटरेस्टेड, सेटिस्फाइड आदि वर्ब्स अगर लगे हो तो उसके पैसिव में बाई का प्रयोग न होकर किसी दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। समझ गए ना बात? जैसे बाई प्लस एजेंट लिखा जाता है ना, तो वहां बाई नहीं, अगर ये वर्ब लगा होगा तो कुछ दूसरा ही प्रीपोजिशन उनके साथ लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तो प्रीपोजिशन सबके साथ लग जाएगा, अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है, तो एक एक तो चर्चा करना होगा। जैसे पहला है द न्यूज, प्लीज्ड हिम, द न्यूज प्लीज्ड हिम। ठीक है, तब क्या है, यहाँ द न्यूज जो है यह सब्जेक्ट है, प्लीज्ड क्या है वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब बदलेंगे तब क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। अब ये सिमिलर है, अब प्लीज्ड पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का वर्ब लगा वाज, और प्लीज्ड जो है वो वी टू और वी थ्री दोनों है। अब बाकी में बताया गया है बाई प्लस एजेंट, यहां हम कह रहे हैं कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगेगा तो ही वाज प्लीज्ड क्या लगेगा, यहां विथ लगेगा इसके साथ, with the news, he was pleased with the news। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, हमने कहा कि the result सरप्राइजेज मी, द रिजल्ट सरप्राइजेज मी। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ द रिजल्ट यहाँ सब्जेक्ट है, सरप्राइजेज यहाँ वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है, तो जब पैसे में बदलेंगे तब क्या हो जाएगा, मी का हो जाएगा आई। अब द रिजल्ट है मी का हो गया आई, और सरप्राइजेज यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस का वर्ब हो गया एम। ठीक है, और सरप्राइजेज का भी थ्री सरप्राइज्ड। ठीक है, अब न यहां बीथ लगेगा न बाई लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, एट द रिजल्ट। ठीक है, तो यहां प्लीज्ड विथ हो गया, यहां सरप्राइज्ड एट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो माने जानना। हा आई नो हर, आई नो हर। ठीक है, तो यहां क्या होगा, हर का हो जाएगा सी,
नो यहां प्रेजेंट टेंस है तो सी के अनुसार हो गया इज, सी इज, और नो का भी थ्री नोन। अब नाइट लगेगा ना विथ लगेगा, लगेगा टू, आई का हो गया मी, सी इज नोन टू मी, ठीक है। तब क्या हुआ, प्लीज्ड विथ, सरप्राइज एट, और नोन टू, ठीक है। उसके बाद हमने कहा इंटरेस्टेड वर्ब है, तो उसका देखिए द बुक इंटरेस्टेड राम, द बुक इंटरेस्टेड राम, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा राम, अब सिंगुलर है, इंटरेस्टेड पास्ट टेंस है, तब हो गया वाज, ठीक है। और इंटरेस्टेड वी टू और वी थ्री दोनों है, इंटरेस्टेड क्या हो गया यहां इन द बुक, ठीक है ना। राम वाज इंटरेस्टेड इन द बुक, यानी इंटरेस्टेड इन। उसके बाद है सटिस्फाइड, योर प्रोग्रेस सटिस्फाइड मी, योर प्रोग्रेस सटिस्फाइड मी। तब क्या है यहां, योर प्रोग्रेस सब्जेक्ट है, सटिस्फाइड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का हो जाएगा आई। अब फिर यहां सटिस्फाइड पास्ट टेंस है, वी टू है, तो इसलिए वर्ब हो गया वाज, और सटिस्फाइड वी टू और वी थ्री दोनों है, सटिस्फाइड। अब क्या होगा, इसके साथ भी बीट होगा, बीट योर प्रोग्रेस, यानी यहां क्या है कि हमने कहा कि बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग ना होकर किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो आप इसको ध्यान दे दीजिएगा कि प्लीज्ड विथ, सरप्राइज्ड एट, नोन टू, प्रीपोजिशन लगेगा, बाई का प्रयोग इनके साथ नहीं होता है, समझ गए ना बात। आगे अब आगे है कि यदि एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में पीपुल, दे, एवरीवन, समवन जैसे अस्पष्ट सब्जेक्ट्स हो, ठीक है, अस्पष्ट सब्जेक्ट्स हो, तो उसके पैसिव का सब्जेक्ट इट होता है, आई टी इट होता है, ठीक है। जैसे पीपुल से
that he is a spy. People say that he is a spy. ठीक है, अब इसको थोड़ा आप ऐसे समझिए कि यदि एक्टिव सेंटेंस में का सब्जेक्ट पीपुल दे समवन, ठीक है, जैसे अस्पष्ट सब्जेक्ट हो और उसके बाद से क्लेम रिपोर्ट थिंक बिलीव अंडरस्टैंड आदि वर्ब्स लगे हो तो उसका पैसिव का सब्जेक्ट इट होता है। ठीक है, यानी पैसिव में जब बदलेंगे तब क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ईट, ब्रैकेट में लिख दीजिए ईट, तब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब को भी थ्री में बदलेंगे, ठीक है ना, और दैट से ये जो क्लॉज शुरू है इसके बाद उसको उसी तरह लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी दैट क्लॉज, समझ गए ना बात। तो हम क्या कर रहे हैं कि यदि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपुल दे समवन एवरीवन जैसे हो, यानी अस्पष्ट सब्जेक्ट हो, और उसके बाद से क्लेम रिपोर्ट फाइंड अंडरस्टैंड बिलीव आदि वर्ब लगा हो और उसके बाद दैट से शुरू एक क्लॉज हो तो उसका पैसिव बनाते समय उसका सब्जेक्ट इट होता है। तो इट क्या है, सिंगुलर है, तो स्वाभाविक है कि उसके बाद यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा एक्टिव के वर्ब के टेंस के अनुसार, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मेन वर्ब को भी थ्री में बदल देंगे और दैट से जो क्लॉज शुरू है उसको हूबहू उसी तरह लिख देंगे, समझ गए ना बात। तो जैसे वाक्य है पीपुल से दैट ही इज ए स्पाई, लोग कहते हैं कि ही इज ए स्पाई, वह एक जासूस है, स्पाई मींस जासूस, तब क्या हो जाएगा, पीपुल और अस्पष्ट सब्जेक्ट है तो पैसिव में हो गया इट, इट। अब हेल्पिंग वर्ब हमने क्या कहा, यह सिमिलर है और से प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब हो गया इज, और से का भी थ्री सेड, ठीक है, और दैट क्लॉज उसी तरह लिख देना है, दैट ही इज ए स्पाई, ठीक है ना। हमने कहा दे बिलीव्ड That Mr. Gupta was very rich. They believed that Mr. Gupta was very rich. ठीक है, तब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ईट, अब सिंगुलर है, पास्ट टेंस का वर्ब है यहां बिलीव्ड, तो वर्ब हो गया वाज, बिलीव्ड, आई दैट क्लॉज जो है उसी तरह लिख देना है, दैट मिस्टर गुप्ता वाज वेरी रिच। ठीक है, समझ गए लोग। तो हमने क्या कहा कि यदि एक्टिव सेंटेंस में पीपुल दे समवन अगर जैसे अस्पष्ट सब्जेक्ट हो और उसके बाद से क्लेम फाइंड रिपोर्ट अंडरस्टैंड बिलीव आदि वर्ब लगा हो और उसके बाद दैट से शुरू एक क्लॉज हो तो पैसिव का सब्जेक्ट होता है इट, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब को भी थ्री में बदलते हैं और दैट क्लॉज जो है उसको सेम उसी तरह लिख देते हैं,
जैसे पीपुल से तब हो गया इट इज सेड, आई दैट को उसी तरह लिख दिए दे बिलीव्ड दैट मिस्टर गुप्ता वाज वेरी रिच, तो हो गया दैट क्लॉज, तो दे सब्जेक्ट हो गया इट, अब बिलीव्ड पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का वर्ब हो गया वाज, और बिलीव्ड भी थ्री हो ही गया, आई दैट क्लॉज उसी तरह लिख दिए, यानी इट वाज बिलीव्ड दैट मिस्टर गुप्ता वाज वेरी रिच। समझ गए लोग? ठीक है, आगे है कि यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट देयर प्लस भर प्लस नाउन देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी वन, ठीक है, इतना हो तो उसके पैसिव का पैटर्न क्या होता है देयर, प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस बी प्लस बी थ्री, ठीक है, जैसे देयर इज no money to waste, there is no money to waste, यानी बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं है। तो हमने क्या कहा कि यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी वन हो तो पैसिव का बनावट होगा कौन चीज देयर, वर्ब हो गया इज, उसके बाद नाउन लिख दीजिए तो नो मनी प्लस टू बी और भी थ्री, वेस्ट का भी थ्री वेस्टेड, देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अगला इस अब है कि निगेटिव का पैसिव अफर्मेटिव की तरह ही बनता है, निगेटिव का पैसिव भी अफर्मेटिव की तरह ही बनता है। यहां क्या है कि हेल्पिंग वर्ब और भी थ्री के बीच में नॉट लगता है, ठीक है, जिस तरह अफर्मेटिव का बना उसी तरह निगेटिव का भी बनेगा, अंतर इतना ही है कि हेल्पिंग वर्ब और भी थ्री के बीच में यहां नॉट लगता है। जैसे रवि डज नॉट ईट ओनियन, रवि डज नॉट ईट ओनियन, रवि प्याज नहीं खाता है, तो ये क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो वैसे ही बनेगा, तब क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा ओनियन, ओनियन, अब डज नॉट ईट प्रेजेंट टेंस है, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब हो गया ईट सिंगुलर,
और इट का होता है ई टेन, हमने क्या कहा कि हेल्पिंग वर्ब और भी थ्री के बीच में नॉट लगता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट लगेगा, तब हो गया एमोनियन इज नॉट, और इटेन हो गया भी थ्री, इटेन बाई रबी, ओनियन इज नॉट इटेन बाई रबी, ठीक है। तो एक ये हो गया कि नेगेटिव का पैसिव भी अफर्मेटिव के तरह ही बनता है, अंतर क्या है यहाँ कि हेल्पिंग वर्ब और भी थ्री के बीच में यहाँ नॉट लगता है। ओके नेक्स्ट, अगला है कि यदि एक्टिव सेंटेंस में दो क्लॉज हो और दोनों क्लॉज में अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स हो, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, पीछे हमने अभी बतलाया था आपको कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, हिंदी में उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्म यानी कर्म के साथ, कर्म माने ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा कि यदि एक्टिव सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स हो और दोनों में अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसका पैसिव अलग अलग बनता है, ठीक है ना। लेकिन यदि दोनों क्रिया का कर्ता अगर एक ही हो, यानी दोनों वर्ब का अगर सब्जेक्ट एक ही हो, तो दोनों जगह बाई प्लस एजेंट नहीं, वाक्य के अंत में एक ही जगह बाई प्लस एजेंट लगता है। जैसे सी रोट ए लेटर एंड पोस्टेड इट, सी रोट ए लेटर एंड पोस्टेड इट, ठीक है। अब यहां क्या है कि सी क्या है, सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। तो यहां रोट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है जो जिसका ऑब्जेक्ट है लेटर, ठीक है। तो सी रोट ए लेटर एंड पोस्टेड, भी टू है, आई इट इसका ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सी ए है, सी रोट ए लेटर एंड पोस्टेड इट, वह एक पत्र लिखी और उसको पोस्ट की, ठीक है। तो दो ठो यहाँ क्रिया है, एक पोस्ट करने का है और एक लिखने का, दोनों का करने वाला है सी, करने वाला नहीं करने वाली है सी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा कि दोनों का पैसिव अलग अलग बनेगा, लेकिन अगर दोनों का सब्जेक्ट एक ही है तो एक बार यहाँ बाई प्लस एजेंट, एक बार यहाँ बाई प्लस एजेंट नहीं लगेगा, वाक्य के अंत में एक ही बार बाई प्लस एजेंट लग जाएगा। तब क्या होगा, ए लेटर लेटर, अब ये सिंगुलर है और रोट यहां पास्ट टेंस है, तब हो गया वाज, ए लेटर वाज, और रोट का भी थ्री रिटेन। तो अगर इतना ही रहता कि सी रोट ए लेटर, तब होता है लेटर वाज रिटेन बाई हर, लेकिन यहां यही सी ये भी क्रिया की है, इसलिए इसको हम यहां भी एंड से जोड़ देंगे, एंड, ठीक है। अब जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया, तब हो गया ईट। अब फिर ये सिंगुलर है, अब पोस्टेड पास्ट टेंस है, तो सिंगुलर वर्ब हो गया वाज, और पोस्टेड भी टू और भी थ्री दोनों है, बाई एक ही जगह एजेंट लग गया, सी का हो गया हर, ए लेटर वाज रिटेन एंड इट वाज पोस्टेड बाई हर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये लेटर वाज
written and posted by her. दोनों सही है. It was posted by her या posted by her. हमने कहा है letter was written and it was posted by her. यानी her के द्वारा एक पत्र लिखा गया और उसको पोस्ट किया गया. हमने कहा कि ये letter was written and posted by her. Her के द्वारा एक पत्र लिखा गया और पोस्ट किया गया. क्या पोस्ट किया गया? जो लिखा गया लेटर वही ना पोस्ट किया गया. इसलिए आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों सही है, उसमें कोई आपको असुविधा नहीं है. जो आपको सुविधा बने वो दोनों सही है. समझ गए लोग? उसके बाद है कि यदि एक्टिव सेंटेंस अगर लेट से शुरू हो, ठीक है, यदि एक्टिव सेंटेंस अगर लेट से शुरू हो तो उसके पैसिव का पैटर्न होता है क्या? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वी थ्री बाई प्लस एजेंट. ठीक है, जैसे लेट हर डू दिस वर्क. लेट हर डू दिस वर्क. ठीक है, तब क्या हो जाएगा? हमने कहा लेट पैसिव का पैटर्न हो जाएगा लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा. तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट हो गया. लेट दिस वर्क, उसके बाद है बी, तब है बी थ्री, तो डू का बी थ्री डन बाई हर. हो गया, समझ गए बात? आगे देखिए. यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस V1 रहे तो उसके पैसिव का पैटर्न होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस 2 प्लस V1 प्लस बाई प्लस एजेंट. ठीक है, जैसे आई saw Ram play. I saw Ram play. ठीक है, तो हमने कहा यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन प्लस V1 है ना, इस पैटर्न पर ये वाक्य है.
तो पैसिव का पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ क्या है, आई सॉ राम, मैंने राम को देखा, तो राम यहाँ ऑब्जेक्ट है तो राम सब्जेक्ट हो गया राम। अब ये सिंगुलर है या सौ पास्ट टेंस है, तो वाज भी थ्री, तो सौ का भी थ्री सीन, तब क्या है टू, तब भी वन बाई आई का हो गया मी। राम वाज सीन टू प्ले बाई मी। समझ गए लोग? तो एक ये हो गया कि हमने कहा कि यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन ओब्लिक प्रोनाउन प्लस भी वन हो तो उसका पैसिव इसी पैटर्न पर बनता है। आगे है कि कभी कभी क्या होता है कि एक्टिव सेंटेंस में केवल वर्ब का प्रयोग हुआ रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों छिपे होते हैं, तो इस परिस्थिति में ऐसे वाक्यों को पैसिव में बदलते समय वाक्य को उसके भाव के अनुसार, पैसिव में उसके भाव के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, इस तरह से उसको हम बदलते हैं, उसका भाव देखना पड़ता है। जैसे हमने कहा स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि इधर सब्जेक्ट नहीं है, उधर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे वाक्यों में क्या है कि किसको हम कह रहे हैं खड़े हो जाओ, तुमको, तुमको, यू को, ठीक है। तो अब इसका भाव देखिए कि क्या व्यक्त कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है नहीं, सलाह दे रहा है नहीं, ऑर्डर कर रहा है, तो इसलिए इसका पैसिव हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर टू से शुरू करके बाकी सब उसी तरह लिख देंगे। स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ठीक है। हमने कहा कि वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, कथी कर रहा है, तो ऑर्डर दे रहा है नहीं, सलाह दिया जा रहा है, तब क्या होगा यू आर एडवाइज्ड टू से शुरू करके बाकी सब उसी तरह लिख देंगे, टू वॉक इन द, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी उसके भाव के अनुसार उसको हम लिख देंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए नहीं है, होगी तो फिर संपर्क कीजिएगा। बाकी बात ये हो गया, ये मेरा चैप्टर करीब हो ही गया, एक्टिव पैसिव, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा और सकुशल घर पर सुरक्षित रहिएगा, अनावश्यक बाहर नहीं निकलिएगा, निकलिएगा तो मास्क लगाकर निकलिएगा, आप ही की सुरक्षा के लिए डायरेक्टर ये सारी व्यवस्था किए हैं, और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ते रहिए, ठीक है, ओके देन।